तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो में। और आज थंबनेल देख रहे समझ चुके हैं मैं आज क्या देखने जा रहा हूँ आप लोगों को। आज मैं आ चुका हूँ इंडिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन। ठीक ही सुन रहे हो, इंडिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन में आ चुका हूँ। और मेरा जो रेलवे स्टेशन का नाम है ग्राम दासपुर। मैं बता देता हूँ, ये रेलवे रूट है मोसाग्राम टू बांकुड़ा, जो वेस्ट बंगाल में है। मोसाग्राम टू बांकुड़ा का रेलवे कनेक्शन करता है, तो वेस्ट बंगाल में है रेलवे स्टेशन। तो देख रहे हैं गांव के अंदर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, एक ही प्लेटफॉर्म है, देख सकते हो। वो भी जंगल हो चुका है, उतना अभी भीड़ नहीं होता है इधर। तो स्टेशन का जो मेन पार्ट है, तो इधर से रोज दो ट्रेन जाता है, एक सुबह और एक रात को, अभी शाम को। और एक दिन फ्राइडे में और एक ट्रेन रहता है जो रात 9 बजे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंडिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन ग्राम दासपुर, जो एक छोटा सा गांव में इधर है। तो ठीक है, चलिए वीडियो में देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बड़ा तड़का है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो स्टेशन का नाम है ग्राम दासपुर। इधर एक ही प्लेटफॉर्म है, वो भी जंगल हो चुका है। मतलब इस लाइन में ट्रेन दो ही है, इसलिए इतना भी भीड़ वड़ा नहीं होता है। जब ट्रेन का समय होता है तब पैसेंजर आता है इधर, वो भी 10-15 से ज्यादा पैसेंजर नहीं होता है इस लाइन में, एक एक स्टेशन में। तो इस ये रूट नया नया अभी हुआ है, आई थिंक 3 इयर्स हुआ है इस रूट में, और रूट को बनाया हुआ है। तो अभी मैं आ चुका हूँ आप लोगों को इंडिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए। चलिए वीडियो में जाते हैं। वीडियो कैसे लग रहा है आप लोग लाइक कमेंट्स करके जरूर बताना। तो दोस्तों, देख रहे हो प्लेटफॉर्म में पैसेंजर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि ट्रेन का वक्त हो चुका है। अभी ट्रेन आने वाला है, लास्ट ट्रेन, शाम का लास्ट ट्रेन आने वाला है। नहीं पकड़ पाया तो कल सुबह फिर से ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, इसलिए पैसेंजर आना शुरू हो चुका है प्लेटफॉर्म में, ट्रेन का वक्त हो चुका है। तो अभी इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है, अभी ट्रेन आ रहा है स्टेशन में। बहुत समय के बाद ट्रेन आ रहा है, एक सुबह में ट्रेन था, अभी शाम को ट्रेन आ रहा है। चलिए ट्रेन देखिए, आई थिंक पीछे से आ रहा है, चलिए देखते हैं। अभी मेरा पीछे ट्रेन आ चुका है, देखिए बांकुड़ा जाने के लिए। तो अभी 1 मिनट का हॉल्ट है इधर, उसके बाद ट्रेन डेस्टिनेशन में चला जाएगा। तो देखिए ट्रेन का हॉर्न बज रहा है।
तो दोस्तों ट्रेन तो चला गया क्योंकि अभी एक एक पैसेंजर बाहर चला जाएगा क्योंकि आजकल लास्ट ट्रेन चला गया, शाम को लास्ट ट्रेन था, तो अभी कोई ट्रेन नहीं है, पूरा स्टेशन खाली हो जाएगा और रात में पूरा खाली रहेगा स्टेशन, फिर कल सुबह ट्रेन। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं रेलवे ब्रिज के ऊपर, जिस ब्रिज से वो ट्रेन गुजरा था, अभी जो ट्रेन गुजरा था उसी ब्रिज पे ऊपर हुआ हम लोग, और अभी देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है सामने का सीनारी, अभी नदी का ऊपर ब्रिज में बैठा हुआ, और देखिए रेलवे ट्रैक से ऊपर से कैसे साइकिल चला के जा रहा है, क्योंकि कोई ट्रेन नहीं है, क्योंकि अभी कोई ट्रेन नहीं, कल सुबह फिर से ट्रेन, इसलिए हर एक लोग इधर से ही ट्रैवल करता है साइकिल से या बाइक से, सब लोग इधर से ही जाते हैं। अभी हम लोग जो सीनारी देख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि सामने जो सूर्यास्त हो रहा है ना, सूर्य डूब रहा है, वो देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए नदी के ऊपर से जब आप लोग सूर्यास्त देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी आप मुझे नहीं पता आप लोग कैसे लग रहा है कैमरा में, अपने आँखों से देखिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आँखों से अपने आँख सामने से देखोगे तो बहुत अच्छा लगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग देख रहे थे इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन, तो कैसे लगे आप लोगों को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना, और आप दोस्तों को पास शेयर जरूर करना, और मिलते एक नया वीडियो में, चलिए आपके अभी तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।